लोग रिलेशनशिप में पहली बार कब आए थे? सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मंजीत, वेलकम टू माय चैनल फिट मंजीत। तो भैया आज हमारे साथ कल्पना, जिसका फोन बज रहा है। बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं एक बढ़िया सा वर्कआउट, तो रेडी है? क्या करेंगे आज? आजकल भाई इसमें ज्यादा जान आ रही है थोड़ी सी, तो इसको वर्कआउट कराते हैं बढ़िया से, बैक करते हैं। आप भी बैक करोगे? मैं भी कर लूंगा तेरे साथ। ठीक है, आ जा। तो गाइस वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ बिग मसल न्यूट्रिशन के फ्री वर्कआउट से। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पिछले 7-8 मंथ से बिग मसल न्यूट्रिशन के सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। उसमें से एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है बिग मसल न्यूट्रिशन का फ्री वर्कआउट। बेसिकली ये सेक्स ऑन द बीच जो फ्लेवर है मैं मोस्टली यूज करता हूँ, और इसका जो फ्लेवर है भाई बहुत ही जबरदस्त है। आपको पंप बहुत जबरदस्त फील होगा, आपको बहुत ही तगड़ी एनर्जी फील होगी। और जैसे कि आपको पता है, नॉर्मल प्री वर्कआउट के साथ एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप उनको इनटेक कर लेते हैं तो आपकी नींद की जो साइकिल होती है, स्लीप साइकिल होती है, वो पूरी खराब हो जाती है। वो चीज हमारे फ्री वर्कआउट के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको लो, वर्कआउट करो, उसके बाद आराम से आप सो सकते हो। दूसरी चीज भाई, इसकी डोजिंग की अगर हम बात करें, तो अगर कोई प्रोफेशनल एथलीट है, प्रोफेशनल बंदा है, तो 1.5 से 2 स्कूप भी ले सकता है। वैसे मेरे को एक स्कूप में बहुत ही जबरदस्त पावर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल कल्पना है, तो इसको हम आधी स्कूप देंगे तो इसमें भी इसको बहुत ही ज़बरदस्त पंप आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आएगी। तो इसका जो मैंने लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाके आप लोग बाय कर सकते हो। क्योंकि मेरे कहने से ज़रूर एक बार फ्री वर्कआउट ट्राई करना, क्योंकि भाई आप ना बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। आप बोलोगे मंजीत भाई क्या चीज़ बता दी। तो जल्दी से जाके आप बाय कर लीजिए। हम इसको पी के करते हैं तगड़ा सा वर्कआउट, सो लेट्स गो। 25 LBS कर रही है? हाँ, 11 किलो कर लेते हैं। तो गाइस पहले दिन आई थी तो सिर्फ एक प्लेट, मतलब खाली सही नहीं लग रहा था इससे। अब एक हफ्ते में इसमें दोबारा जाना दिया। चलो थोड़ा सा आगे होगा, हल्का सा, हाँ चलो पीछे आके पूरे बैक को घुमाना पीछे। हाँ, 3 4 7 चलो आप मत रहा डालो। चलो मैं हेल्प नहीं दे रहा, डालो ले लो। 9 और चल पावर 10 5 मोर चलो 5 go 4 go 3 go 2 go last one up, बहुत बढ़िया, very nice। तो गाइस पहले हमने वार्म अप कर लिया है, आफ्टर दैट ये हमारा पहला सेट है, पहली एक्सरसाइज। क्या कह रही हैं आप? कितना करोगे? जितना तो बोलेंगे। नहीं फिर भी एंड में लगा लो। 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने का सेट मारा आपने? मैंने मारे 15। अच्छा, मैं 2 पीछे चल रही थी। ज़्यादा पीछे चल रही वैसे। चलो भाई तो गाइज हम आपको पूरी एक्सरसाइज में दिखा रहे हैं, सिर्फ एक सेट दिखा रहे हैं हर एक्सरसाइज का। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब चलते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पे। ठीक है मैडम, ग्लव्स भी डाल लिए। हाँ ये देखो, ये चिल्लो तर इसने पहले कर रखे थे पहले से खरीद रखे थे, यूज अब कर रही है। 106 kg 13 है वो LBS है, उधर kg भी लिखा है बेटा। LBS इधर लिखा है 250 LBS। वो 106। अच्छा आपने हैंड भी लगाया है। 113 है। ठीक है ठीक है। 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 बस 9 दसवा तेरे नाम का छोड़ दिया मैंने। मैं 25 एलबी ऐसे कर रही हूँ। ये भी 25 पे आ गई तू, गुड। देखो यार उठेगा नहीं, ये नहीं उठ रहा भाई ऐसे करना पड़ेगा। बॉडी पार्ट्स में मैं स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो मैं मिक्स कर रहा हूँ। चलो आगे रहो। हाँ चल, सिर्फ बैक दबानी है। हाँ चल दबा बैक। हाँ परफेक्ट, बढ़िया। 15 रैप, बढ़िया। 3 चल आराम से बॉडी को एक जगह रख। हाँ चलो 5 5 5 4 लास्ट वन, बहुत बढ़िया शाबाश। काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रही है अभी। थैंक यू। ले 3 सेट मारो फटाफट। अब बॉडी पार्ट्स करना स्टार्ट किया है स्पेसिफिक, तो अच्छा लग रहा है अब करके। पहले मैं मिक्स ही कर रही थी, पर अब इन्होंने बताए हैं तो अब मैं स्पेसिफिक करना स्टार्ट किया, तो मज़ा आ रहा है बहुत। तीसरा सेट भी लेते हैं। तो गाइस ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज, जो कि हम सिंगल हैंड रोइंग लेने वाले हैं। तो चलो कल्पना करेंगे परफॉर्म, मज़ा।
पोस्चर बता दो। पोस्चर पहले हाथ आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ठीक है। हाँ, कमर आपकी सीधी रहेगी। हाँ, ऐसे हाँ, ये डंबल जाएगा नीचे एंड देन अप। ये तो आसान है, भारी लेके आओ। चलो ये ऊपर, ये पूरा ऊपर आना चाहिए ये, ठीक है। ये नीचे गया और ये पूरा चेस्ट अप, कंधे सीधे। हाँ ये देखिए, यूं नहीं करना इसको, ये बैक दबानी है ये। हाँ नीचे लेके जाओ, चलो बढ़िया। ये वही देख, तू वही चीज गलती कर रही है ये। हाँ ये दबनी चाहिए बैक, चलो बढ़िया, बैक दबाओ। चलो नीचे लेके जाओ इसको बैक के साथ। हाँ उठाओ, परफेक्ट, बढ़िया। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पोस्चर। अगर आपका पोस्चर ही गलत है तो आपकी पूरी एक्सरसाइज गलत हो जाएगी, कोई भी उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। जैसे कि कल्पना परफॉर्म कर रही है इसी चीज़ को, अगर ये यूं करके परफॉर्म कर रही है तो इसकी बैक बिल्कुल इंगेज नहीं होगी। तो इसलिए मैंने इसको दो तीन बार बोला कि इसको बैक को इंगेज करना है आपने पूरा। तो कैसी लगी एक्सरसाइज? आई थिंक इसने पहली बार परफॉर्म की है, राइट? कैसी लगी? ये दर्द हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा था कि आपकी फॉर्म बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसकी फॉर्म बिल्कुल ज़्यादा। मेरी वीक भी है ना, फिर आर्म्स फोर आर्म्स बहुत, तो उससे ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करती हूँ इम्पैक्ट यहाँ ज़रूर आता है। इम्पैक्ट तर आता है, चाहे चेस्ट मारे चाहे कुछ भी मारे, क्योंकि मेन चीज़ है अभी पूरी टेक्निक सीख ही नहीं है ढंग से कि एक्सरसाइज को प्रॉपर कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि इसको अभी एक वीक ही हुआ है। जब इसको एक महीने दो महीने हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्म अच्छी होती जाएगी, टेक्निक अच्छी होती जाएगी, फिर ये मसल माइंड कनेक्शन बना पाएगी। अभी क्या है, अभी सिर्फ इसको टेक्निक पर काम करनी है, पोस्चर पर काम करना है, पोस्चर ठीक करना है इसको, ठीक है। तो अभी हम पोस्चर पर काम करेंगे, ये नहीं कि अभी पहले हफ्ते में आप मसल माइंड कनेक्शन बना लोगे और आप प्रो बन जाओगे। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती है, ठीक है। अब मैं परफॉर्म करता हूँ, डंबल रख दे, नीचे रख दे। तू कैसे परफॉर्म कर रही थी एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में? ये हमें ये नहीं करना, ठीक है। हाथ हमारा ये रहेगा, कमर हमारी सीधी रहेगी। ये हमने उठाया डंबल, ठीक है, नीचे गया। अगेन आपको बैक को पूरा स्क्वीज करना पीछे, ये स्ट्रेच किया, ये ओवर स्ट्रेच भी नहीं करना तेरे को। नॉर्मल तेरी पोजीशन ये रहेगी, ये दबाया, ये जितने बैक स्ट्रेच हो रही है उतनी स्ट्रेच करनी है। आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी सीखिए। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग गलती क्या करते हैं, ये करते हैं ये। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ आप नीचे लेके जाना आपने और ये पूरा स्क्वीज करना ऊपर बैक को। ये आपका बहुत इम्पैक्ट करेगा आपकी मिडल बैक पे। तो अभी हम एक छोटी सी गेम खेलने वाले हैं, वो गेम ये है कि मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी, एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, उसका इनको आंसर करना है। जितना टाइम लगाएंगे उसकी स्पीड साथ साथ बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो अभी इंडिपेंड करता है कितने जल्दी आप आंसर करते हो। कोई नहीं, पूछ। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग रिलेशनशिप में पहली बार कब आए थे? तो इतनी जल्दी बढ़ा रही है, तो जल्दी आ जाइए। तो आपको याद रहना चाहिए दिसंबर में आया, इतना तो याद है मेरे को। डेट, वो डेट थी 25 की, हमारी शादी की डेट है। अच्छा, अरे अबे यार ये याद कौन रखता है सब चीजें, बताओ। 31 दिसंबर। आप जीत गए हैं 7 करोड़। 7 करोड़ दे, 7 करोड़ दे, गड़ा के दे, चलो अभी दे। तो गाइस आज की जो भी दिनचर्या होगी वो हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा वर्कआउट हो चुका खत्म, अभी अपन लोग मैं स्टीम लेने जा रही हूँ। स्टीम लेगी तू? कुछ स्टीम ले ले एंड मैं इसका वेट करूँगा, फिर मैं भी स्टीम ले लूँगा, देन उसके बाद घर जाना है, फिर रात को हमारा एक और प्रोग्राम है जाने का, ठीक है। चलो चलते। तो भाई बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है और अंदर जाके खाना खाएंगे अपन, चले। तो गाइज अब आए हैं शाम को, मम्मी पापा कल्पना और मैं। कहाँ आए पापा? मूर्थल। मूर्थल पापा को तीन बार बोल दिया मूर्थल, पापा का हरियाणवी एक्सेंट जा नहीं रहा। मूर्थल अपनी भाषा अपनी अपनी होती है, सही बात है। और हवाई जहाज में बैठ लिया। चलो अब यहाँ खाना ट्राई करते हैं कैसा है। अभी तूने तो कर रखा है, पापा मम्मी ने नहीं किया ना, इनको कराते हैं खाना ट्राई। अच्छा है यहाँ का, बस ये प्यार चाहिए जिंदगी भर फिर से। एंड गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा फूड, तो खाते हैं अब इसको। थोड़ा सा मैं तो एक ही रोटी खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा यार, चीट नहीं करता ना अभी। तो गाइस अब निकल रहे हैं घर की तरफ, लेकिन भाई कोहरा इतना जबरदस्त हो रहा है, देखो फोन में इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, वैसे रियल में बहुत ज्यादा है ना। हाँ। पर मजा आया आज, है ना, ऐसा लग रहा है कोई ठंडी जगह आ गए।
शिमला में आ गए क्योंकि शिमला में कम ठंड है, दिल्ली में ज्यादा है ना। तो ये घड़ी अपनी गड़िया, अब चलते सीधा घर। तो गाइस अभी मम्मी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था गाड़ी में, तो हम कुछ खट्टा मीठा लेके आए हैं मम्मी के लिए। ये टॉफी खा लेंगी और साथ में अपनी इमली भी ले आई है। तो अभी चलते हैं सीधा। बहुत कमेंट करते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। मैं इमली भी सिर्फ टेस्ट के लिए खा रही हूं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। ये मोटी है, मोटी और तभी मैंने जिम ज्वाइन किया है। फायदा कुछ नहीं पर उसका। नो प्रॉब्लम।